नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं शाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, शिव आराधना का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है रुद्राभिषेक। पंडित मनोज शर्मा पाटोदा में सावन मास के अंतर्गत चल रहे अनुष्ठान में श्री आजने योग संन्यास आश्रम में स्वामी गोविंदानंद गिरी महाराज के सानिध्य में महारुद्राभिषेक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पंडित मनोज शर्मा ने बताया कि बुधवार को गुवाहाटी से पधारे हुए यजमान राजू बंसल प्रहलाद मिश्र द्वारा भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। सावन मास में रुद्राभिषेक का अति महत्व है। भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए भगवान शिव को नाना प्रकार के द्रव्य से रुद्राभिषेक करना चाहिए। शिव आराधना में रुद्राभिषेक का बहुत महत्व दिया गया है, इसलिए भक्तों को भगवान शिव का सावन मास में रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। आश्रम में भक्तों ने कुशोदक व पंचामृत से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर स्वामी गोविंदानंद गिरी महाराज, पंडित मनोज कुमार शर्मा, पंडित सुनील शर्मा, राजू बंसल, प्रहलाद मिश्रा, बद्री सिंह, अनेक शिव भक्त रुद्राभिषेक में उपस्थित रहे। हर हर महादेव। जय श्री बालाजी। सभी भक्तों को इसके आनने योग संन्यास शास्त्र में चल रहे श्रावण मास पर्व के अंतर्गत अनुष्ठान में गुरु गोविंदानंद जी महाराज के सानिध्य में आज भगवान का बड़े प्रेम भाव से पूजन व रुद्राभिषेक हुआ। गुवाहाटी से पधारे हुए यजमानगण बड़े प्रेम भाव से पूजन किया। सभी ने बाबा के जयकारे लगाए। अनेक भक्तगण उपस्थित रहे आश्रम में और गुरुदेव के सानिध्य में एक महीने का अनुष्ठान बड़े प्रेम भाव से चल रहा है। गुवाहाटी से राजू बंसल जी पधारे, उन्होंने बड़े प्रेम भाव से आज का रुद्राभिषेक संपन्न करवाया। हर हर महादेव। जय श्री बालाजी। हाँ जी, गुवाहाटी से राजू बंसल आज गोविंद गिरी महाराज के आश्रम धाननी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अभिषेक करने का भी मौका मिला और बड़ी खुशी हुई। अभिषेक करके जीवन में पहली बार ऐसा मौका मिला पूजा का जो हम सोच नहीं सकते हैं। गोविंद महाराज गिरी के सानिध्य में ये प्रोग्राम चल रहा है, एक महीने का सावन का प्रोग्राम अभिषेक, और हमें भी गुवाहाटी से आके यहाँ करने का आज मौका मिला। मैं भी कल सालासर बालाजी के दर्शन हुए और ये पवित्र स्थान है धाननी का, यहाँ भी श्रावण महीने में अभिषेक और पूजा करके जाएं। सभी सालासर आने वाले भक्तों से निवेदन है, प्रार्थना है हाथ जोड़ के। ये भी एक पवित्र स्थान है धाननी गांव, सालासर से लक्ष्मण रोड में 10 किलोमीटर सालासर से पड़ता है राइट हैंड को। धाननी गांव में बहुत ही पवित्र स्थान है, यहाँ गौशाला भी है, यहाँ देसी गायों की सेवा की जाती है। हर भक्तों से मैं निवेदन करता हूँ ये धाननी गांव में ज़रूर आश्रम में पधार के जाएं। गोविंद गिरी महाराज का आश्रम है और गौशालों की गौशाला है जिसमें 40-50 गायें हैं, उनकी सेवा का मौका जरूर लेके जाएं। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। मैं प्रहलाद मिश्रा सीकर से, पहले गुवाहाटी रहता था, ये राजू जी मेरे साथ ही हैं। यहाँ आकर बड़ी प्रसन्नता हुई महाराज गोविंद गिरी जी के सानिध्य में, जो यहाँ आनंद आया कहने जैसा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खुशी का माहौल है। पंडित लोग यहाँ के आज बहुत अच्छे विद्वान हैं। यहाँ पर जो हमने अभिषेक किया जीवन में, ये कह सकते हैं पहली बार किया। मैं तो अभिषेक करता रहता हूँ, लेकिन ऐसा अभिषेक और इतनी शांति से, इतनी प्रसन्नता से पहली बार किया है। सभी से निवेदन है, आने वाले प्रवासियों से, सालासर तो बहुत आते रहते हैं लोग, यहाँ आकर जरूर जाएँ। यहाँ आने से प्रसन्नता होगी और यहाँ आना व्यर्थ भी नहीं होगा। सालासर की यात्रा में इस चीज़ को जरूर जोड़ के रखें। धन्यवाद। मेरा नाम बद्री है, मैं जयपुर से हूँ। मैं एक टूरिस्ट गाड़ी चलाता हूँ, टूरिस्टों को लेके आता हूँ यहाँ सालासर धाम में। ये हनुमान जी का मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, और यहाँ से करीब 10 किलोमीटर एक स्थान है गाँव, वहाँ एक गोविंद गिरी जी महाराज है, एक आश्रम है, बहुत अच्छा है और वहाँ पूजा पाठ होती है। आप लोग भी सब यहाँ पधारें और कृपा करके इसको देखें।